अटलांटिक ब्लूफिन टूना सबसे महंगी मछलियों में से एक है और हजारों पाउंड्स में बिकती है। बीते 60 साल से ये मछलियां ब्रिटेन के आसपास नहीं दिखाई दी थीं, लेकिन अब इंग्लैंड के आसपास समुद्र में वो लौट आई हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन वैज्ञानिक कंफ्यूज हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। ब्रिटेन की सरकार पता लगाना चाहती है कि कितनी मछलियां लौटी हैं, इसलिए उन पर टैग लगाकर वापस समुद्र में छोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अटलांटिक ब्लूफिन टूना मछलियां इसलिए ब्रिटिश समुद्र को छोड़कर चली गई थी कि उन्हें यहाँ शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। अब उनकी वापसी की एक वजह जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तापमान बढ़ने से उन मछलियों की संख्या बढ़ सकती है जिनका ब्लू टूना फिश शिकार करती हैं। समंदर में मछलियाँ एक साल में हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं।